हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े सरकारी नौकरी चैनल संदीप ज्ञान पे। और आज हम फिर आपके लिए एक सरकारी नौकरी लेके आ गए हैं जो निकल रही है 8वीं पास कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाई जाती है। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं, पोस्ट नंबर एक है, यहाँ देख सकते हो पोस्ट आपको मिल रही है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, यानी कि 8वीं पास है। और यहाँ पे स्किल आपको बताया गया है कि यहाँ पे स्किल आपको इस रिक्रूटमेंट में क्या मिल जाएगा। तो प्रथम बात करते हैं वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल, यहाँ दो प्रकार की पोस्ट मिल रही है। प्रथम आपको सीरियल नंबर एक में वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल, इसमें फोर्थ जो रखी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो रखी गई है 8वीं पास। यदि आप 8वीं पास है इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन मिलेगा 12,000 से लेकर 37,500, ग्रेड पे 3900 रुपये आपको ग्रेड पे मिल रहा है। सबसे ज़्यादा आपको ग्रेड पे 8वीं पास को यहाँ मिल रहा है इस रिक्रूटमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी मिल रही है। पेमेंट भी देख सकते हो आपको यहाँ अच्छा मिल रहा है। इसके बाद में ग्रेड फोर्थ की वैकेंसी आपको मिल रही है, 8वीं पास है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन इसमें आपका सेम रखा गया है। और इसके बाद वैकेंसी थर्ड नंबर पे आपको मिल रही है अटेंडेंट की और लेबोरेटरी अटेंडेंट की, दो प्रकार की आपको पोस्ट मिल रही है जिसमें भी 8वीं पास रखी गई है। 12,000 से लेके 37,500 रुपये पर मंथ, और ग्रेड पे की बात करें तो 3900 रुपये आपको इसमें ग्रेड पे मिल जाएगा। और इसके बाद हमारी चार नंबर पे जो पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, उसके लिए भी 8वीं पास है और 12,000 से लेके 37,500। इसके बाद में पियोन की वैकेंसी आपको मिल रही है, दफ्तरी की वैकेंसी आपको मिल रही है, ठीक है, और डार्क रूम असिस्टेंट की वैकेंसी मिल रही है। यहाँ देख सकते हो प्रत्येक पोस्ट में आपको वेतन है समान मिल रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको समान मिल रही है। और इसके बाद में स्ट्रेचर और स्वीपर और क्लीनर, ये चार पोस्ट और आपको मिल रही है। तो टोटल जो वैकेंसीज आपको सीरियल नंबर से मिल रही है, 9 प्रकार की पोस्ट आपको यहाँ मिल रही है। क्लीनर स्वीपर को यदि हम जोड़ते हैं तो यहाँ 10 प्रकार की पोस्ट आपको मिल जाती है। 8वीं पास हैं तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ इसके बाद बताया गया है कि जो आरक्षण कैसे मिलेगा, तो यहाँ गवर्नमेंट के रूल के अनुसार इसमें आपको आरक्षण भी मिलेगा। और उम्र सीमा 44 वर्ष के जो स्टूडेंट्स हैं वह फार्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2019 को आप कम से कम 18, अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए 40 वर्ष के बीच है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ आपको कुछ और जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है विभाग के द्वारा वो बताए गए हैं। अब बात करते हैं वैकेंसीज आपको कहाँ से मिल रही है, सीधा हम आपको दिखा देते हैं वैकेंसी। तो यहाँ देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ असम से ये वैकेंसी आपको मिल रही है, ऑफिस जो ऑफ द प्रिंसिपल कम चीफ सुपरिटेंडेंट की ये वैकेंसीज आपको जो डिपार्टमेंट है उनसे ये वैकेंसी मिल रही है। और ऑनलाइन अप्लाई कर देना, ठीक है, ऑनलाइन आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। और यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी www.dme.assam.government.in पे जाके आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। कब तक ये फॉर्म अप्लाई करना है, यहाँ विभाग के द्वारा डेट बताई गई है 6-7 से, यानी कि 6 जुलाई को फॉर्म स्टार्ट हो गया है। 21 जुलाई तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, मिडनाइट यानी कि 12 बजे मध्य रात्रि तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वैकेंसी डिटेल्स भी आपको यहाँ बताई गई है, 56 वैकेंसी आपको जो वैकेंसी थी हमारी वार्ड बॉय और वार्ड गर्ल की, और यहाँ देख सकते हो 27 वैकेंसी स्वीपर और क्लीनर की आपको मिल रही है। तो यहाँ प्रत्येक जो वैकेंसी है उसकी पोस्ट बताई गई है कि कितनी पोस्ट मिल रही है। डिटेल्स पूरी हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से दे रहे हैं। यदि आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो और असम में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो और असम के जो सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले फॉर्म अप्लाई कर दें। और इसके बाद यहाँ आर्टिकल्स 15 के अनुसार यदि आप निवास कर रहे हो असम में तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये डिटेल्स आपको पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले किसी भी भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म अप्लाई करने से पहले उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको पढ़ना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके राज्य की जॉब के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।